डोईवाला में बड़कोट रेंज क्षेत्र के अंतर्गत लाल तप्पड़ में जंगली हाथी लगातार किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। देर रात भी हाथियों के झुंड ने किसानों की आलू की फसल को पूरी तरीके से रौंद डाला। जब किसानों ने हाथियों को भगाने की कोशिश की तो हाथियों का झुंड आबादी क्षेत्र की ओर आ गया, जिससे कुछ लोगों को छतों पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ी। जब इसी बीच हाथियों ने एक कंपनी की दीवार को भी तोड़ डाला है। हाथियों के आबादी क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। वन विभाग से जंगल किनारे इलेक्ट्रिक फेंसिंग वायर लगाए जाने और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ पे हाथी का आए दिन अतिक्रमण चला रहा है, कई बार अंदर आके भगा भी दिया है, लेकिन वो जो लोग भगाते हैं उनके पीछे भाग निकलता है। और रात भी ऐसे ही हुआ, 4-5 हाथी आ गए थे जिन्होंने उन्होंने भगाने की कोशिश की जो लोग अंदर रहते हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आके उन्होंने 4-5 जगहों से बाउंड्री हमारी तोड़ दी है। फसल को आलू का जो फसल लगा है वो सारा बर्बाद कर दिया।